तो बजट पास होगा तभी विकास होगा। हो सकता है कुछ पार्षद भाइयों को कोई दिक्कत हो, बजट पास नहीं करवाना चाहते हो, वो नहीं आए हो, उनको तकलीफ हो, ये कारण हो सकता है। नहीं तो बजट में सभी पार्षदों को सहयोग करना चाहिए। वो काफ़ी घटनाएं हो गई थी, एक दो तीन घटनाएं ऐसी हो गई थी वहाँ, तो बच्चे आके गोली गाली खा गए थे, उस चक्कर में थोड़ा बच्चे ज़्यादा दिक्कत आते हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी के नगर परिषद में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। क्या मीटिंग थी और क्या निर्णय लिया जाना था, यह पार्षद भी हैं और चेयरमैन भी है, हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद कुमार वाल्मीकि, नगर पार्षद वार्ड नंबर 11 से हूँ। आज हमारे यहाँ नगर परिषद के अंदर बैठक थी बजट के लिए, जो हमारे यहाँ आज 10 पार्षद उपस्थित हुए बजट पास करने के लिए। कुछ पार्षद साथी नहीं आए, तो हम चाहते हैं कि दादरी शहर का विकास एक समान विकास हो, तो बजट पास होगा तभी विकास होगा। हो सकता है कुछ पार्षद भाइयों को कोई दिक्कत हो, बजट पास नहीं करवाना चाहते हो, वो नहीं आए हो, उनको तकलीफ हो, ये कारण हो सकता है। नहीं तो बजट में सभी पार्षदों को सहयोग करना चाहिए, तभी दादरी का विकास होगा शहर का। लगभग कितने पार्षद यहाँ आए? 10 पार्षद आए हैं। आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 18 अनुरानी। लगभग 10 पार्षद आज चरखी दादरी में जो नगर परिषद में जो मीटिंग रखी गई थी बजट को लेकर, उसमें पहुंचे हैं। बख्शीराम सैनी जो चेयरमैन है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सभी जो पार्षद हैं उनको सूचना दी गई? सभी को दी गई थी। वो इसके बावजूद भी नहीं पहुँचे? उनकी मर्जी होगी, नहीं आते, नीचे बैठे हैं कुछ, अपने क्या रणनीति बना रहे हैं उनको। हम तो शहर के विकास के लिए बैठे हैं और आगे लड़ते रहेंगे विकास के लिए। क्या कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग में नहीं आए, वो शहर का विकास नहीं चाहते क्या? देखो जी, वो उनकी मंशा है। देखो मैं उनके बारे में कैसे बताऊँ, मेरी मंशा है विकास करवाने की, उनकी जो सोच है वो देखें। एक बात बताएं, काफ़ी लंबे समय से चरखी दादरी का विकास रुका हुआ है, करोड़ों के बजटों की बात होती है, कब तक व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? व्यवस्थाएं करोड़ों रुपये आ लिए हैं बजट, अभी अगले महीने से हम शुरू कर देंगे सभी काम। किस तरह के कामों पर ध्यान दिया जाएगा सर्वप्रथम? सर्वप्रथम तो हमें सीवर व्यवस्था के लिए सुपर सोकर मशीन आज आ लेगी शाम तक, और सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी 31 मार्च के बाद। सभी लगभग जो टूटी हुई सड़कें हैं, बाईपास की होगी, कॉलेज रोड हो गया, राउल दी बाईपास होगा, जो बीच में रिपेयरिंग का काम भी हमारे 25 लाख और 3 एस्टीमेट और तैयार कर दिए 25 लाख के, तो छोटा मोटा जो खड्डे खुडे हैं सभी को भरा जाएगा। लगभग 10 कर्मचारी नगर परिषद द्वारा हटाए गए थे, उनका भी कुछ मामला सुनने में आया? वो अभी हमने 6 तो पोर्टल पर लगा दी और 4 की प्रक्रिया पूरी कर दी। देखो वो तो पोर्टल पर जब वहाँ से आएंगे, आगे नेताल से उससे आएंगे, जब हो जाएगा वो। चेयरमैन साहब, एक चरखी दादरी पार्क है रोज गार्डन के नाम से, हाथी पार्क भी जिसे कहा जाता है, पिछले काफ़ी लंबे समय से दिन में बंद रहता है, क्या कारण है? वो काफ़ी घटनाएं हो गई थी, एक दो तीन घटनाएं ऐसी हो गई थी वहाँ, वो बच्चे आके गोली गाली खा गए थे, उस चक्कर में थोड़ा बच्चे ज़्यादा दिक्कत आते हैं। क्या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करके इस पार्क को नहीं खोला जा सकता? खोल देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। आप भर के वैसे कहेंगे भाई आज यह घटना होगी, याद घटना होगी, लोग शिकायत करते हैं जो पड़ोस मकान है भाई, यहाँ बच्चे आपस में गलत वो करते हैं, विचार गलत करते हैं, तो इसलिए बंद रखा है, पीछे से बंद है, मेरे आगे नहीं, पीछे से बंद है। एक बात बताएं, चरखी दादरी में पुलिस भी है और व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर अगर पार्क को खोला जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि एक ही पार्क है और वो भी बंद रहे? नहीं नहीं, पीछे पार्क खुला है हमारा, सर्व जयंती वाला पार्क खुला है, बैठना हो बैठो वहाँ, ये तो इसलिए हमारा बंद है, इसमें दो तीन घटना हो गई थी। चरखी दादरी में काफी लंबे समय से विकास रुका हुआ है, आज बजट को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 10 पार्षद उपस्थित रहे, बाकी पार्षद नहीं पहुंच पाए। आखिर देखना होगा चरखी दादरी का विकास कब तक होगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से चरखी दादरी का विकास रुका हुआ है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।